एक्शन रिसर्च, ये क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान शब्द हमारे मस्तिष्क में जब आता है, हमारे दिमाग में जब आता है, तो कई बार विद्यार्थियों के मन में या शिक्षकों के मन में ये भ्रम बन जाता है कि ये कोई बड़ा काम है, ये कोई स्पेशलिस्ट का काम है, हम तो टीचर हैं, हमें तो क्लास में पढ़ाना है, हमारा रिसर्च से क्या लेना देना। पर ऐसा नहीं है। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च विधि है, एक ऐसी रिसर्च प्रोसेस है कि हम में से प्रत्येक इसे करता है, नहीं करता है तो कर सकता है, यदि अब तक नहीं की है तो हमें करनी चाहिए। हमें एक्शन रिसर्च क्यों करनी चाहिए, हमें एक्शन रिसर्च से क्या लाभ हो सकते हैं, एक्शन रिसर्च करने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, आज के सत्र में हम इन्हीं सभी मुद्दों पर अपनी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालते हैं। अगर एक्शन रिसर्च के आप इतिहास की ओर देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का इसका इतिहास है। इतिहास में दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम कर्ट लेबन का है, जिन्होंने 1940 के दशक में एक्शन रिसर्च शब्द को क्वाइन किया, और उसके 13 साल बाद स्टीफन कोरी, जिन्होंने 1953 में पहली बार एजुकेशन की फील्ड में एक्शन रिसर्च को प्रयोग किया। ये दो नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यदि आप एक्शन रिसर्च की हिस्ट्री देखें तो इनिशियली एक्शन रिसर्च एजुकेशन की फील्ड के लिए क्वाइन नहीं हुआ था। एक्शन रिसर्च के बहुत सारे नाम हैं जो आपको सुनने में आएंगे। कुछ लोग इसको प्रैक्टिशनर रिसर्च कहते हैं। प्रैक्टिशनर रिसर्च मींस वो रिसर्च जो प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। जैसे हम टीचर्स अपनी क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए अगर रिसर्च करें तो हम भी प्रैक्टिशनर है, हमारी रिसर्च है। किसी और फील्ड के लोग ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर रिसर्च करें तो वो उनकी एक्शन रिसर्च। कुछ लोग इसको टीचर रिसर्च कहते हैं क्योंकि इसमें फुल फ्लेज्ड रिसर्चर की बजाय एक जो टीचर की तरह काम करने वाला व्यक्ति है मेरे और आपके जैसा, वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है, इसलिए इसको कुछ लोग टीचर रिसर्च कहते हैं। कुछ लोग इसको साइट बेस्ड रिसर्च कहते हैं। साइट बेस्ड रिसर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्शन रिसर्च वही होती है जहां टीचर होता है और जहां प्रॉब्लम होती है। सो द साइट ऑफ द प्रॉब्लम इज द साइट ऑफ रिसर्च। अगर क्लासरूम में प्रॉब्लम है तो क्लासरूम में रिसर्च होगी, अगर स्कूल की प्रॉब्लम है तो स्कूल में रिसर्च होगी, अगर अक्रॉस द क्लासेस 2-3-4 कक्षाओं की समस्या है तो उन 2-3-4 कक्षाओं में रिसर्च होगी। तो जो प्रॉब्लम साइट होती है वही रिसर्च साइट होती है, वही रिसर्चर साइट होती है। इसलिए बहुत सारे लोग एक्शन रिसर्च को साइट बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको एक्शन साइंस कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द एक्शन, ड्यूरिंग आवर एक्शन वी फॉलो द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। वी नॉट ओनली फाइंड आउट द सोल्यूशन बट वी ऑल्सो अप्लाई दैट सोल्यूशन टू सी इट्स इफेक्टिवनेस इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। तो कुछ लोग इसको एक्शन साइंस भी कहते हैं, और वो एक्शन साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक प्रणाली के जो पद हैं उनका प्रयोग करते हुए, अपना कार्य करते हुए हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रश्न उठता है एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च के बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग तरह की परिभाषाएं, अलग अलग तरह की व्याख्याएं दी गई हैं। मैं उन सब पर न जाते हुए केवल एक डेफिनेशन की बात करूंगा जो वॉट्स ने 1985 में दी, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बहुत क्लियरली लिखा that it is a process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully using the techniques of research. शोध की तकनीकियों का प्रयोग करते हुए, participants means who? Teachers, principal or administrators. Participants अपनी शैक्षणिक समस्याओं का systematically और carefully examination करते हैं और उस समस्या का समाधान करने की का प्रयास करते हैं। तो अपनी शैक्षणिक समस्या के समाधान के लिए सिस्टमैटिकली और केयरफुली किया जाने वाला ऐसा प्रयास जिसमें शोध की तकनीकियों का हम प्रयोग करते हैं वह एक्शन रिसर्च कहलाता
है। एक्शन रिसर्च कुछ बेसिक अजम्पशंस पर काम करता है। एक बहुत अच्छा बुक है एक्शन रिसर्च का, मैंने नीचे सोर्स दिया है, आप डाउनलोड करिएगा, 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरती से वहां पर ब्राउन ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो मैंने वहीं से कुछ अजम्पशंस लिए हैं। फर्स्ट अजम्पशन इज दैट प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द टीचर और प्रिंसिपल्स हु वर्क ऑन द प्रॉब्लम देमसेल्फ। कि एक्शन रिसर्च के लिए जिस समस्या की पहचान की जानी है उस समस्या की पहचान विद्यालयों के प्रधानाचार्य या अध्यापक करते हैं, अर्थात एक्शन रिसर्च की पहचान, एक्शन रिसर्च की समस्या की पहचान अध्यापकों या प्रधानाचार्यों द्वारा की जाती है जो स्वयं उस समस्या पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम किसी टीचर की है, उस पर काम करने के लिए कोई रिसर्चर इंपोर्ट किया जाएगा, कोई रिसर्चर अपॉइंट किया जाएगा, किसी को रिसर्च प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि हमारे स्कूल के टीचर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम आपको ये रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं, आप इसका समाधान दीजिए। नहीं, जो समस्या की खोज कर रहे हैं, जो समस्या का सामना कर रहे हैं, वे ही समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन इज दैट द टीचर और द प्रिंसिपल हु वर्किंग ऑन देयर ओन टू इंप्रूव प्रैक्टिसेस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू एग्जामिनिंग एंड असेसिंग देयर ओन वर्क मेक टीचर्स मोर इफेक्टिव। अर्थात जो टीचर या प्रिंसिपल अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए या अपनी प्रैक्टिसेस में सुधार करने के लिए स्वयं काम करते हैं, उनका अपना शिक्षण भी और प्रभावी हो जाता है। वे ऐसे शिक्षक जो एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं वे स्वयं भी प्रभावी शिक्षक हो जाते हैं। तीसरा अजम्पशन है कि अगर एक्शन रिसर्च कोलेबोरेटिवली की जाए, अर्थात साथ मिलकर की जाए, कोलेबोरेशन में अगर टीचर और प्रिंसिपल मिलकर के किसी एक्शन रिसर्च को करते हैं तो उन्हें बेहतर समाधान मिलते हैं। तो जब एक से अधिक शिक्षक या शिक्षक और प्रधानाचार्य मिलकर किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, कोलेबोरेटिवली ढूंढते हैं, तो उनको बेहतर सॉल्यूशंस मिलते हैं। और चौथा अजम्पशन यह है कि जब कोलीग्स मिलकर साथ साथ काम करते हैं तो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। चाहे दो या अधिक अध्यापक मिलकर काम करें, अध्यापक प्रधानाचार्य मिलकर काम करें, प्रधानाचार्य एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर काम करें, जब भी कलीग्स आपस में मिलकर किसी समस्या पर काम करते हैं तो उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेहतर होता है। ये चार अजम्पशंस हैं एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च पर आगे बढ़ने से पहले आइए थोड़ी सी उन भ्रांतियों पर बात करें कि क्या एक्शन रिसर्च नहीं होता है। पहली भ्रांति है कि अपनी रुचि के अनुसार हम कोई भी टॉपिक चुनकर उस पर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। नहीं, आइडेंटिफाइंग अ टॉपिक ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड चॉइस एंड वर्क ऑन इट, वर्क इन इट, दिस इज नॉट एक्शन रिसर्च। यू कैन नॉट चूज अ टॉपिक बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। यू हैव टू चूज अ टॉपिक, यू हैव टू चूज अ प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन योर क्लासरूम। आपकी समस्या जो आपको अपनी कक्षा में आ रही है आप उस पर एक्शन रिसर्च करेंगे। आपकी रुचि उसमें है या नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी विषय लेकर उस पर एक्शन रिसर्च करेंगे ऐसा नहीं है। एक्शन रिसर्च अपने आप उसका विषय आपके समक्ष आता है। आप कक्षा में होते हैं, एक अध्यापक की तरह पढ़ा रहे होते हैं, आप कक्षा में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो निरंतर आपके सामने आती हैं, जिनका समाधान आपके पास नहीं होता या जिनका समाधान आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और वे समस्याएं आपके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं, तो आप सोचते हैं कि अब हमें इस समस्या पर एक्शन रिसर्च करनी चाहिए। तो आइडेंटिफाइंग ए टॉपिक ऑफ आवर इंटरेस्ट एंड वर्क इन इट इज नॉट एक्शन रिसर्च। सेकंड, एक्शन रिसर्च इस बारे में नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। एक्शन रिसर्च इस बारे में है कि सुधार कैसे किया जाए। सो एक्शन रिसर्च इज नॉट समथिंग कॉज फाइंडिंग स्टडी। इट इज नॉट एन इंक्वायरी टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग। यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच इज गोइंग ऑन। How you can improve it, how you can resolve this wrong, that is the aim of action research. तो action research क्या गलत हो रहा है ये जानने के लिए नहीं होती। Action research जो गलत हो रहा है उसमें सुधार करने के लिए, उसको improve करने के लिए होती है। Then action research is problem oriented, not people oriented. आप action research किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों पर नहीं करते। आपकी एक्शन रिसर्च के सब्जेक्ट आपके विद्यार्थी नहीं, आपकी समस्या होती है।
कक्षा चार के विद्यार्थियों पर अध्ययन करना वो एक्शन रिसर्च का टॉपिक नहीं है, लेकिन कक्षा चार के विद्यार्थियों की किसी समस्या का अध्ययन करना वो एक्शन रिसर्च का टॉपिक है। तो एक्शन रिसर्च इज ऑलवेज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, नॉट पीपल ओरिएंटेड। यह भी एक भ्रांति है जो हमें अपने मन से निकाल देनी चाहिए। यस, देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम। सो वी डू नॉट स्टडी लर्नर्स, रदर वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लर्नर्स। हम लर्नर्स का अध्ययन नहीं करते, बल्कि लर्नर जो समस्याओं को, अध्येताओं को, विद्यार्थियों को जो समस्याएं हो रही हैं, वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढना, हम इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर शोध करते हैं। ड्यूरिंग द एक्शन रिसर्च आवर इंटेंशन इज नॉट टू नो वाई टू डू सर्टेन थिंग्स, रादर टू मेक थिंग्स बेटर एंड टू डू द थिंग्स। एक्शन रिसर्च के दौरान हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि कोई काम हमें क्यों करना चाहिए, बल्कि हम कुछ काम पहचानते हैं, कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं, उन सोल्यूशंस को अप्लाई करते हैं, उनको बेहतर बनाते हैं। सो एक्शन रिसर्च इज ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट विच यू शुड कीप इन योर माइंड दैट द फोकस ऑफ द एक्शन रिसर्च इज ऑलवेज ऑन इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शंस टू फैसिलिटेट लर्निंग। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है एज ए टीचर? हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे विद्यार्थी जो सीखना चाहते हैं, हमारे शिक्षार्थी जो अधिगम करना चाहते हैं, उनकी लर्निंग में सुधार हो, उनकी लर्निंग बेटर हो। हम कितनी अच्छी तरह उनकी लर्निंग में फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो हम जितनी अच्छी तरह उनकी लर्निंग में फैसिलिटेट कर सकते हैं, और उस लर्निंग में फैसिलिटेट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस को जितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमारे एक्शन रिसर्च में आना चाहिए। एक्शन रिसर्च के बारे में कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च तीन चीजों को प्रमोट करती है। द फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव इंक्वायरी, द सेकेंड इज रिफ्लेक्शन, एंड द थर्ड इज डायलॉग। लेट अस टॉक अबाउट ऑल दीज थ्री बिफोर मूविंग फर्दर। When I'm talking about collaborative inquiry, so what is collaborative inquiry? Collaborative inquiry means investigation of school education related issues by teachers, principal, administrator together. तो action research में collaborative inquiry का मतलब है कि विद्यालय में या शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हमारे समक्ष आ रही हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए जब अध्यापक और प्रधानाचार्य एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब उसे हम कोलैबोरेटिव इंक्वायरी कहते हैं। दूसरा डायमेंशन है इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस अ कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस बाय द टीचर्स ऑन अंडरस्टैंडिंग देयर वेरियस एक्टिविटीज। क्या हम एक शिक्षक के तौर पर जो विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन क्रियाकलापों के बारे में निरंतर चिंतन करना कि हमारे क्रियाकलाप के कारण हमारी कक्षा में परफॉर्मेंस कैसी है, हम अपने विद्यार्थियों को कितना फैसिलिटेट कर पा रहे हैं, हम जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उन विधियों का प्रयोग हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा अधिगम में मदद कर रहा है, और हमारी जो क्लासरूम प्रैक्टिसेस हैं उन पर भी हम रिफ्लेक्शन करते हैं कि वे कितनी सफल हैं। थर्ड डायमेंशन इज डायलॉग। डायलॉग मींस डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशंस विद अदर टीचर कलीग्स। तो एक्शन रिसर्च आप भले इंडिविजुअल करें, बट स्टिल यू डिस्कस विद अदर्स। सो डायलॉग मींस कम्युनिकेटिंग विद योर लर्नर्स एज वेल एज विद योर फेलो कलीग्स। यू डिस्कस विद द प्रिंसिपल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य और एडमिनिस्ट्रेटर है, आप उनसे भी डायलॉग करते हैं। डिस्कस विद इन द स्कूल सिस्टम एंड जनरेटिंग ए डायलॉग ऑन स्कूल इशू। अगर आप डायलॉग को देखें तो डायलॉग में हम अपने अदर टीचर कलीग्स, प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर के साथ डिस्कशन करते हैं विद इन आवर स्कूल सिस्टम एंड ऑन व्हाट टू जनरेट अ डायलॉग ऑन स्कूल इशूज, द इशूज विच आर रिलेटेड टू आवर स्कूल। What are the types of action research? If you see different types of models or classifications,
You will get to know few people have classified action research into three types. Few are talking about four types. So there are different documents. But what I am going to talk about today, it is a classification given by Emily Colhan in 1993. And he was talking about three types of action research: individual teacher research, collaborative action research, and school-wide action research. तो मैं केवल आज इन तीन तरह की एक्शन रिसर्च पर बात करूंगा कि इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, जो एक ही टीचर यदि एक्शन रिसर्च करे तो वो क्या होती है, कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च जहां एक या एक जहां दो या दो से अधिक टीचर या टीचर प्रिंसिपल मिलकर किसी समस्या पर एक्शन रिसर्च करते हैं वो कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च है, और जब किसी विद्यालय की पूरी समस्या हो तो विद्यालय का पूरा तंत्र जिसमें अध्यापक, प्रधानाचार्य, एडमिनिस्ट्रेटर सब सम्मिलित हैं, सब मिलकर जब इस पर काम करते हैं तो वो स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च कहलाती है। Let us talk about individual teacher research. एक अध्यापक, अकेले अध्यापक के रूप में जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं, जब अकेले अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में आप नित्य प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं और मुद्दों का सामना करते हैं। इसमें से बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके समाधान तत्काल आपके पास होते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके समाधान तत्काल आपके पास नहीं होते, परंतु उन समस्याओं पर आप अपने संगी साथियों से चर्चा करके, थोड़ा अध्ययन करके, प्रधानाचार्य से बात करके या किसी और अधिक विद्वत व्यक्ति से बात करके उस समस्या का समाधान आप ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभावी समाधान आप केवल बातचीत से या अध्ययन से, अपने स्वाध्ययन से नहीं ढूंढ पाते, और वे समस्याएं किसी एक दो विद्यार्थियों से नहीं बल्कि अधिकांश कक्षा के विद्यार्थियों से जुड़ी होती हैं। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम इंडिविजुअल टीचर रिसर्च करते हैं। इंडिविजुअल टीचर रिसर्च इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार की रिसर्च में टीचर्स एक इंडिविजुअल रिसर्चर की तरह इंगेज होते हैं, ये कोलेबोरेटिव रिसर्च नहीं होती। फिर भी हमें अपने साथियों से थोड़ी मदद मिल भी सकती है और नहीं भी। आप चाहे साथियों से मदद ले या ना ले, लेकिन जो इंडिविजुअल टीचर रिसर्च होती है, जो किसी एक समस्या पर फोकस्ड होती है, उस तरह की एक्शन रिसर्च में आप अक्सर अधिक नॉलेजेबल व्यक्ति से सपोर्ट तो निश्चित ही ले ही लेते हैं, तो सपोर्ट लेने में आपको कोई मनाही नहीं है। दूसरे प्रकार की रिसर्च जो है वो कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च है। जब हम कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ये वो रिसर्चेस हैं, ये वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं जिस पर विद इन वन और विद इन मोर देन वन क्लासरूम हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। यहां पर कोलेबोरेशन इन्वॉल्व होता है। कोलेबोरेशन मींस द टीचर्स, योर कलीग्स, योर फेलो टीचर्स एज वेल एज योर प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क टूगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वेन टू आर मोर पीपल, टू आर मोर टीचर्स, टीचर एंड प्रिंसिपल, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, टू थ्री फोर टीचर्स टूगेदर, वेन यू वर्क ऑल टूगेदर टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम, ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च। सो इट इज काइंड ऑफ अ ज्वाइंट एफर्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च में फायदा क्या होता है कि यहां पर शेयरिंग ऑफ द आइडियाज और डायलॉग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च। कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च में हम जिन इश्यूज पर चर्चा करते हैं वो कॉमन कंसर्न होता है, जो कई कक्षाओं में समस्या आ रही है या एक विद्यालय में कोई समस्या आ रही है, लेकिन विद्यालय की कुछ कक्षाओं की समस्या है, हो सकता है किसी विषय संबंधित समस्या हो जो एक से अधिक कक्षाओं में आ रही है। थर्ड टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च इज नोन एज स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, every faculty member of the school is involved in studying a specific issue identified from school based data. पूरे स्कूल ने, पूरे विद्यालय ने यदि किसी समस्या की पहचान की है तो विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक उस अध्ययन में शामिल हो जाता है। इस तरह की अप्रोच में हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स से, प्रिंसिपल से और सारे टीचर्स से बहुत अधिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और जब इसके परिणाम आते हैं तो वे परिणाम विद्यालय में परिवर्तन लाते हैं, विद्यालय में नई चीजें, नए प्रयोग प्रारंभ होते हैं। स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च जब की जाती है तो वह एक तरह से स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान से जुड़ी होती है। इससे प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों के साथ मिलकर के यदि चर्चा करे कि हम अपने विद्यालय में
किसी भी एक आयाम में कैसे सुधार करें। तो यदि प्रधानाचार्य और अध्यापक आपस में मिलकर विचार करें कि हमारे विद्यालय में यह समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, क्या इन संभावनाओं पर कोई शोध करके हमें देखना चाहिए, तो कुल मिलाकर के वो स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान हो जाता है। साथ ही स्कूल इंप्रूवमेंट से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर हम इसमें चर्चा करते हैं। कई बार ये मुद्दे सीधे विद्यालय से जुड़े हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये मुद्दे सीधे विद्यालय से जुड़े ना हो लेकिन विद्यालय में सुधार के जो आयाम हैं उन पर इनका सीधा प्रभाव पड़ने वाला हो। तो एक्शन रिसर्च एक इंडिविजुअल टीचर एक कक्षा विशेष की समस्याओं का समाधान करने के लिए कर सकता है, दो या अधिक शिक्षक मिलकर कई कक्षाओं में एक जैसी समस्याएं आ रही हैं तो उसके समाधान के लिए कर सकते हैं, या पूरे विद्यालय में सुधार के लिए सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य मिलकर भी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। मैं तीन एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल है टू इंप्रूव द टाइम मैनेजमेंट स्किल इन क्लासरूम। अर्थात यदि एक अध्यापक यह अनुभव करता है, मान लीजिए मैं कक्षा में पढ़ाने जाता हूं और मैं रोज जितना तय करके जाता हूं, मैं रोज जितना विषय वस्तु निर्धारित करके जाता हूं, दिए गए समय में मैं उतनी विषय वस्तु पूरी नहीं कर पाता और यह मेरे साथ लगातार हो रहा है। मैंने तेज तेज पढ़ा के देखा कि मैं क्लास में अधूरा छोड़ जाता हूं तो समय कम रह गया, समय बच गया और मेरा क्लास पहले पूरा हो गया। अर्थात मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है जिससे मेरी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग इंप्रूव हो जाए। तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम टीचर नहीं है ना प्रॉब्लम स्टूडेंट है, क्योंकि जब हम टाइम मैनेजमेंट इन क्लासरूम की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट इन क्लासरूम इज अफेक्टेड बाय द टीचर एज वेल एज बाय द लर्नर्स। तो विद्यार्थी भी टाइम मैनेजमेंट में मदद करते हैं और शिक्षक भी उसके लिए प्रयास करता है, तो क्या इसके लिए मैं कोई शोध कर सकता हूं? इंप्लीमेंटिंग पीयर ट्यूटरिंग एज एन इफेक्टिव मेथड टू रीच आउट ईच लर्नर इन लार्ज क्लासरूम्स। अगर मैं किसी ऐसे विद्यालय में शिक्षण करता हूं जहां बड़ी कक्षाएं हैं, जहां 40, 50, 60, 70, 80 विद्यार्थी एक साथ होते हैं और मैं प्रत्येक विद्यार्थी तक प्रतिदिन नहीं पहुंच पाता, तो क्या मैं अपने साथियों के साथ मिलकर के किसी एक या दो टीचर के साथ मिलकर के यदि पीयर ट्यूटरिंग करूं और हम दो टीचर एक साथ कक्षा में काम करें तो क्या इससे हम प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच पाएंगे? क्या यह एक इफेक्टिव मेथड होगा? यदि इस पर हम कोलेबोरेटिव रिसर्च करें तो यह एक कोलेबोरेटिव रिसर्च का एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए हमारे विद्यालय में लर्नर सेफ्टी एक कंसर्न है और इसमें केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही रोल नहीं है, यह माना जाता है कि बिहेवियर जो पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स and the people who are involved in the whole school management, that is also an important dimension. तो अगर ये स्कूल तय करता है कि चलिए लर्नर्स की सेफ्टी को इंप्रूव करने में स्कूल वाइड पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट प्रोग्राम कितनी मदद कर सकता है, यदि हमें इसका इंप्लीमेंटेशन करना है क्या हम इस पर कोई शोध कर सकते हैं क्या, तो ये एक स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च का अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहां पर एक कंपैरेटिव चार्ट है, ये मैंने उसी सोर्स से लिया है brown.edu से, इसलिए मैंने उसका सोर्स लिंक नीचे दिया हुआ है। इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च और स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च में एक कंपैरेटिव पिक्चर है जो मैं यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और ये एग्जैक्टली वहीं से कॉपीड है, चार्ट वहीं से लिया है। फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल क्लासरूम में फोकस होता है क्लासरूम का इशू, सिंगल क्लासरूम का इशू। कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च में एक ऐसा कॉमन इशू जो एक से अधिक अध्यापकों का एक कक्षा में हो या एक से अधिक कक्षाओं में हो, तो दोनों तरह के इश्यूज हो सकते हैं। और स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च में स्कूल रिलेटेड इशू या कलेक्टिव इंटरेस्ट का इशू, वो इसका फोकस हो सकता है। कैसी सपोर्ट चाहिए? इंडिविजुअल टीचर रिसर्च में हमें एक किसी मोर नॉलेजेबल मोर लर्नर पर्सन की कोच या मेंटरशिप चाहिए, टेक्नोलॉजी की असेस चाहिए, जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे उस डेटा के ऑर्गेनाइजेशन और उस डेटा के एनालिसिस में असिस्टेंस चाहिए। कोलेबोरेटिव एक्शन रिसर्च में हमें क्या चाहिए? यदि हम कुछ टीचर रिसर्च पर काम करेंगे तो हमारी जगह जो टीचर कक्षा में
हमारी जगह जाएंगे उनकी कक्षा लेने, अर्थात हमें सब्स्टिट्यूट टीचर्स का अरेंजमेंट करना होगा, उनकी भी मदद लेनी होगी। हमें वो टाइम चाहिए, हमें वो टाइम चाहिए जिस फ्री टाइम में, जिस रिलीज टाइम में हम सब आपस में मिलकर कोलैबोरेटिवली अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकें, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्लोज सपोर्ट चाहिए। अगर हमें स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च करनी है तो पहले तो स्कूल का कमिटमेंट चाहिए, स्कूल से एक लीडरशिप चाहिए जो उस पूरी एक्शन रिसर्च को लीड करे, स्कूल के मैनेजमेंट से क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, और हो सकता है कई बार हमें स्कूल वाइड रिसर्च के लिए एक्सटर्नल पार्टनर्स की जरूरत भी पड़ जाए। इसी तरह से जब हम पोटेंशियल इंपैक्ट की बात करते हैं तो जो इंडिविजुअल रिसर्च है उसका इंपैक्ट या तो करिकुलम ट्रांजेक्शन पर होता है, या हमारी इंस्ट्रक्शनल मेथड पर होता है, या हमारे असेसमेंट पर होता है, अर्थात हम अपनी पाठ्यचर्या को कैसे अपनी कक्षा में पूरा करेंगे इस पर इसका इंपैक्ट हो सकता है, हमारा अनुदेशन कैसे, हमारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं विधियां उनमें हम क्या सुधार करेंगे, यह उसका उदाहरण हो सकता है, और हमारा असेसमेंट, हम असेसमेंट में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नए टूल यूज कर सकते हैं, कौन सी नई तकनीकियों को प्रयोग कर सकते हैं। वहीं कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च में करिकुलम इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट के साथ साथ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी आ जाता है कि यदि कोई नीति ऐसी है जिसको हमें लागू करना है अपने विद्यालय में कई कक्षाओं में, तो उस पॉलिसी को लागू करने में क्या समस्याएं आ सकती हैं और उसको कैसे समाधान करना है, उस पर भी रिसर्च हो सकती है। जब हम पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन स्कूल वाइड रिसर्चेस की बात करते हैं तो स्कूल की रिस्ट्रक्चरिंग, स्कूल में आने वाले चेंजेस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, स्कूल और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, या ओवरऑल स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स का इवेल्युएशन भी इसके अंदर आ सकता है। साइड इफेक्ट्स थोड़े से हैं, खासतौर पर जो इंडिविजुअल रिसर्च है वो डेटा ओरिएंटेड ज्यादा हो जाती है, और कई बार यदि आंकड़े ठीक से नहीं मिले तो हमारी प्रैक्टिसेस भी ठीक से नहीं हो पाती। दूसरा, इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च में एक प्रॉब्लम यह रहती है जो उसको सामान्यकरण हमें करना है, उसका जनरलाइजेशन करना है, तो उसका जो जनरलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि कक्षा की, सीमित कक्षा की समस्या होती है, तो कई बार अध्यापक उन सूचनाओं को बड़े स्तर पर शेयर भी नहीं करते। जो कोलैबोरेटिव रिसर्चेस हैं उनसे पार्टनरशिप बन जाती है, कॉलेजियलिटी बढ़ जाती है, और हम दो चार साथी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वहीं स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च में कॉलेजियलिटी तो बढ़ती बढ़ती है, कोलेबोरेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, स्कूल एक टीम की तरह काम करता है, स्कूल ये भी जान जाता है कि प्रक्रिया में यदि डिस एग्रीमेंट है, यदि उनमें हमारे बीच सामंजस्य नहीं है, हम एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, कहीं असहमतियां हैं, तो उन असहमतियों का समाधान हमें कैसे करना है, तो ये भी एक अच्छा प्रभाव इसका होता है। अब प्रश्न यह है कि एक्शन रिसर्च यदि हमें करनी है तो एक्शन रिसर्च की कुछ प्री कंडीशंस है, कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ स्थितियां हैं जो हमें पहले से निर्मित करनी होती हैं। पहला, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारा विद्यालय कैसे काम करता है, हमारी पाठ्यचर्या कैसे पूरी होती है, हमारी पाठ्यचर्या क्या है, हमारे बोर्ड, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, विद्यार्थी किस प्रकार के हैं, किस बैकग्राउंड से हैं, हमें पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही हमारी जो स्कूल और क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस हैं, कक्षा आधारित हमारी जो क्रियाकलाप और जो अभ्यास जो हम कक्षा में करते हैं उन पर हमारा डीप विजन होना चाहिए, इन डेप्थ विजन होना चाहिए, और हमारे अंदर ये सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से काम कर रही है। तीसरा, हमारे अंदर नए ज्ञान को पाने की या वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनका समाधान खोजने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, क्वेस्ट फॉर न्यू नॉलेज होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर उत्कंठा नहीं है, यदि हमारे अंदर ये इच्छा नहीं है कि जैसे चल रहा है चलने देते हैं, समस्या आई है चले जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, बड़ी कक्षा में सीख लेंगे, अभी क्या करना है इस पर ध्यान दे के अभी हम अपना सिलेबस पूरा करते हैं, यदि इस तरह की अप्रोच से हम काम करेंगे तो फिर हम एक्शन रिसर्च नहीं कर पाएंगे। देन एक्शन रिसर्च करने के लिए आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम, कक्षा और विद्यालय की जो परफॉर्मेंस है उसमें सुधार करने की आप में इच्छा होनी चाहिए।
ये एक तरह की सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी होती है, तो इसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होता है और सेल्फ एनालिसिस भी होता है। तो अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म कर सकते हैं अपने ही अभ्यासों का, अपनी ही प्रक्रियाओं को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, आप खुद की अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, यदि खुद पर ठीक से रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, तो इनसाइट के साथ साथ ये रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देन विलिंगनेस टू इफेक्ट चेंजेस थ्रू द कॉन्स्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज दैट रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग, निरंतर, क्योंकि एक्शन रिसर्च निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो लगातार हम ऐसे मुद्दों की पहचान करें जिन मुद्दों पर हम परिवर्तन लाना चाहते हो और उन परिवर्तनों के द्वारा हम मजबूती चाहते हैं। यदि हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अपने विद्यालय में मजबूती चाहते हैं, तो हमें निरंतर ऐसे मुद्दों की पहचान करनी होगी जिनमें सुधार की हमें आवश्यकता होती है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये हैं कि एक्शन रिसर्च स्कूल इश्यूज, प्रॉब्लम्स और जो एरिया ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट है उन पर फोकस करता है। टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की मदद करता है, क्योंकि जब एक टीचर एक्शन रिसर्च करता है तो वो नई नई चीजें सीखता है, जब वो नई चीजें सीखता है वो नई चीजों का प्रयोग करता है, तो इससे उसका वृत्तिक विकास होता है। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो संगी साथी हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आपके स्कूल में परिवर्तन लाने की आप में क्षमता आती है, आप अपने ही अभ्यासों पर, अपने ही क्रियाकलापों पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और आपका आपके साथियों के साथ, अपने प्रधानाचार्य के साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, सबके साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। आइए अब बात करते हैं एक्शन रिसर्च प्रक्रिया की। ये एक चक्र है, मैंने इस चक्र के चरणों को आगे डिटेल में डिस्कस किया है। अगर देखें तो ये एक्शन रिसर्च प्रारंभ होती है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम से, समस्या की पहचान से, फिर हम उस पर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो आंकड़े और उसका जो परिणाम आता है उस परिणाम पर एक्ट करते हैं। एक्चुअली एक्शन रिसर्च में ये जो एक्ट वाला पार्ट है, यही इसको फंडामेंटल रिसर्च से अलग करता है। फंडामेंटल रिसर्च में जनरली एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद ये सिद्ध करते हैं कि हाइपोथेसिस हमारी सही है या गलत है, और उसके आधार पर अपने परिणाम लिख देते हैं। लेकिन जो हम वहां परिणाम ढूंढते हैं, उन परिणामों को एक्शन में नहीं लाते, तो एक्शन रिसर्च उसके आगे शुरू होती है कि हम परिणाम तो ढूंढते हैं, संभावित समाधान तो ढूंढते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, डेटा गैदर करके, एक्सपेरिमेंट करके, जो आइडेंटिफाइड सोल्यूशन है उसको हम एक्ट करते हैं और उस सोल्यूशन के प्रभाव देखते हैं कि समस्या के समाधान में वह सोल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जब उसके समाधान आ जाते हैं तब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और फिर हम फिर से एक नई समस्या का पहचान कर लेते हैं। तो जब हम कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो उसका पहला चरण है व्हाट इज द प्रॉब्लम और द क्वेश्चन यू वांट टू आंसर। ऐसी कौन सी समस्या या प्रश्न है जिसका समाधान, जिसका उत्तर आप चाहते हैं, अर्थात एक्शन रिसर्च की प्रारंभ कहां से होती है? समस्या की पहचान से। वो कौन सी समस्या है जिसका समाधान हमें करना है? हम उस प्रश्न को, उस समस्या को स्पष्ट करते हैं, उसको एक विशिष्ट भाषा देते हैं, उसकी शब्दावली विशिष्ट करते हैं, उसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं और उसको एक सही स्वरूप देते हैं। एक्शन रिसर्च के प्रारंभ में जो प्रश्न होते हैं वो सामान्य भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी। तो जो एक्शन रिसर्च की क्वेश्चन है वो जनरल भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी। जैसे Does the new math lab increase math grades or math test scores among my learners? ये एक क्वेश्चन है कि यदि मैंने विद्यालय में एक नई मैथ लैब establish की तो क्या उससे मेरे बच्चों के गणित के जो अंक प्राप्तांक हैं या गणित में जो उनके ग्रेड्स जो उनको मिलते हैं, क्या उन ग्रेड्स में कुछ सुधार होगा? ये मेरी अध्ययन की एक प्रश्न हो सकती है। या एक और उदाहरण ले सकते हैं, डू द आइडेंटिटी डेवलपमेंट ग्रुप अफेक्ट स्टूडेंट अटेंडेंस और अचीवमेंट? आइडेंटिटी डेवलपमेंट ग्रुप्स कई बार कक्षा में निर्मित हो जाते हैं कि हम विद्यार्थियों का एक ग्रुप कई बार चाहे अनचाहे निर्मित कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई बार वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हो सकता है, कई बार वो एक क्षेत्र से आने वालों के आधार पर हो सकता है, कई बार वो भाषाई आधार पर हो सकता है, कई बार वो जातिगत धर्मगत आधार पर हो सकता है। लेकिन यदि
गलती से भी कक्षा में ऐसे आइडेंटिटी डेवलपमेंट ग्रुप्स बन गए हैं, तो क्या इनका प्रभाव उनके अटेंडेंस या उनके अचीवमेंट पर पड़ता है? क्या कोई अध्ययन कौशल, कोई स्टडी स्किल कक्षा सात के बच्चों के जो अनुत्तीर्ण होने का रेट है उसमें सुधार कर सकती है? क्या यदि हम विद्यालय में कैरियर एक्सप्लोरेशन गाइडेंस करिकुलम लागू करें या इस तरह की एक यूनिट एस्टैब्लिश करें तो बच्चों के कैरियर च्वाइस के बारे में जो नॉलेज है वो इंप्रूव होगी? तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, यू कैन सी मेनी एग्जांपल्स, बट दीज आर फ्यू क्वेश्चंस और द प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू फाइंड फर्स्ट। देन हम एकदम से प्रश्न बनाकर के रिसर्च नहीं करने लगते। हम ये देखते हैं कि हमने जो प्रश्न निर्धारित किया है, हमने जो समस्या की पहचान की है, हम जिस समस्या पर काम करने वाले हैं, क्या उस समस्या पर औरों को कभी कुछ मिला है? What have others found? ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम रिसोर्सेज ढूंढते हैं, हम रिसर्च लिटरेचर ढूंढते हैं और हम इसका रिव्यू करते हैं। हम विद्यालय में भी पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या विद्यालय में कभी किसी ने और इस पर काम किया है, यदि किया है तो क्या उनके पास कोई सूचना हो सकती है क्या? जो हमारे प्रोफेशनल जर्नल्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के जर्नल्स हैं, प्राइमरी टीचर है, और भी इस तरह के जो जर्नल आते हैं जिसमें शिक्षकों के बहुत सारे अभ्यासों प्रयोगों की चर्चा होती है, क्या वहां कोई इस तरह की, क्या इंटरनेट पर इस तरह के टॉपिक पर कोई रिसर्च हुई है, क्या उसका कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या? तो जब हम अपना रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको डिफाइन कर लेते हैं तो पहले हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। ये रिव्यू उतना रिग्रस नहीं होता जितना रिग्रस फंडामेंटल रिसर्च में होता है, लेकिन अप्लाइड लेवल पर हम रिव्यू जरूर करते हैं। ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जिस समस्या की पहचान की है उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। फिर हम अपनी समस्या का पर्पस लिखते हैं कि हम ये शोध क्यों करना चाह रहे हैं, हम ये शोध क्यों करना है, हम जो समाधान प्रस्तावित कर रहे हैं उससे हमारे विद्यालय की एजुकेशनल प्रैक्टिसेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बच्चों के जो आउटकम्स हैं, निष्पत्तियां हैं विद्यार्थियों की, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारा अध्ययन हमें निर्णय लेने में कुछ मदद करेगा। इस तरह के प्रश्न हम खुद से पूछते हैं और इन प्रश्नों के संभावित उत्तर लिख करके हम पर्पस ऑफ द स्टडी और पर्पस ऑफ द रिसर्च लिखते हैं। फिर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि क्या हमने कोई हाइपोथेसिस या बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाई है, क्या ये हाइपोथेसिस हमें कुछ बायसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी, क्या इन हाइपोथेसिस से हमें कुछ अपोजिट आंसर मिलेगा, अगर हम गलत हो गए तो उसका क्या कारण होगा, डाटा में ऐसा क्या रीजन होगा जिसकी वजह से हमें अलग तरह के उत्तर मिलेंगे, तो ये सारे चीजें भी हम करते हैं। उसके बाद हम ये निर्धारित करते हैं कि हम जो अपने शोध में आंकड़े इकट्ठे करेंगे उसके लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, किस प्रकार के हम प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार के आंकड़े होंगे, क्या वो आंकड़े हम किसी सर्वे क्वेश्चनायर से इकट्ठे करेंगे, हम कोई टेस्ट बनाएंगे, कैसे करेंगे आंकड़े इकट्ठे, क्या आंकड़े आंकिक होंगे, नंबर में होंगे, न्यूमेरिकल डेटा होगा, या आंकड़े शाब्दिक होंगे, विस्तृत विमर्श वाले होंगे, लिखित होंगे, हम उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे, तो यह भी हम चिंता करते हैं जब हम एक्शन रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। साथ ही हम आंकड़े किससे इकट्ठे करेंगे और कितने लोगों से इकट्ठे करेंगे, खासतौर पर जब क्लासरूम रिलेटेड रिसर्च होती है तो आंकड़े हम केवल अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एकत्र करते हैं तो हमारा सैंपल साइज वही होता है, लेकिन जब हम अक्रॉस द क्लासरूम्स बात करते हैं या स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो कई बार फिर हमें सैंपलिंग करनी पड़ती कि हमारा अप्रोप्रिएट साइज क्या होगा। हम 30 विद्यार्थियों से जानकारी लेंगे, 100 विद्यार्थियों से जानकारी लेंगे, 200, 500 विद्यार्थियों से जानकारी लेंगे, ये इस पर भी निर्भर करता है हमारा टूल क्या है। सर्वे है तो शायद हम 500 विद्यार्थियों से आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू है तो हम 500 विद्यार्थियों का इंटरव्यू नहीं ले सकते क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसका एनालिसिस कैसे करें। जो आंकड़े हमारे आएंगे उन आंकड़ों को हम विश्लेषित कैसे करेंगे, कौन सी अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स होगी जो हम अप्लाई करेंगे, क्या हम मीन मीडियन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज जैसी चीजें इस्तेमाल करेंगे, क्या हम टी टेस्ट या काई स्क्वायर जैसे स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, यदि हमें कंट्रोल ग्रुप और इंटरवेंशन ग्रुप्स के बीच डिफरेंस देखना है तो क्या हम टी टेस्ट या काई स्क्वायर लगाएंगे, अगर दो से ज्यादा ग्रुप है तो क्या हम अनोवा यूज करेंगे,
या और भी बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम एक्शन रिसर्च का प्रपोजल बनाते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, हमारा शोध प्रश्न क्या होगा, हमारे शोध उद्देश्य क्या होंगे, हमारे शोध का औचित्य क्या है, हमारे शोध की परिभाषा क्या है, हमारे शोध के उपकरण क्या होंगे, हम शोध किस पर करेंगे, उसकी हाइपोथेसिस क्या होंगी, डेटा कलेक्शन टूल क्या होगा, डेटा एनालिसिस मेथड क्या होगा, इस सब के बारे में हम प्लानिंग करते हैं और तब हम एक अच्छा पहले रिसर्च प्रपोजल शोध के लिए बनाते हैं। फिर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो विद्यालयों में ऑलरेडी अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी शोध प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थियों की अटेंडेंस को एनालाइज करना है, तो अटेंडेंस के आंकड़े ऑलरेडी विद्यालय में होते हैं। उनके पासिंग रेट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनके पिछले एक दो साल में जो अंक आए हैं उनकी प्रोग्रेस, ये सब आंकड़े विद्यालय में उपलब्ध होते हैं। तो कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो विद्यालयों में उपलब्ध होते हैं, हम उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो हमें अध्यापकों से, विद्यार्थियों से या उनके माता पिता से लेने होते हैं। यदि हमें आंकड़े लेने हैं तो हमें कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला नियम है हमें परमिशन लेनी होती है। यदि हमें बच्चों से आंकड़े लेने हैं तो हमें विद्यालय के प्रधानाचार्य और बच्चों के माता पिता से परमिशन लेनी होगी कि हम आपके बच्चों पर एक शोध करने जा रहे हैं और इनसे मिस इस तरह का आंकड़ा लेके। हमें यह भी इंश्योर करना होता है कि हमारा जो सैंपल साइज है वो एडिक्वेट रहे, क्योंकि अगर वो एडिक्वेट नहीं है तो हमारे फिर परिणाम अच्छे नहीं आते। फिर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, आंकड़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन आंकड़ों को हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, जिसके लिए हम स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं, फिर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ, टेबल, पिक्चर, जैसे चाहें, और फिर हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। जब हम अपनी एक्शन रिसर्च पूरी कर लेते हैं तब हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर में एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बनानी होगी, फर्स्ट ईयर में प्रपोजल बनाना होगा, उसके बाद वो रिसर्च करेंगे और जब सेकेंड ईयर में आएंगे तब रिपोर्ट बनाएंगे। तो अब मैं आपको अंत में ये बताने वाला हूं कि एक एक्शन रिसर्च रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं या एक्शन रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं, आपके पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, जिसमें रिसर्च का टॉपिक, आपने वो रिसर्च क्यों ली, उस रिसर्च का बैकग्राउंड, यदि आपने थोड़ा रिव्यू किया है तो वो भी, ताकि एक स्थिति बने जो ये स्पष्ट करे कि आपने इस विषय पर रिसर्च क्यों किया है। फिर आप अपने शोध के, एक्शन रिसर्च के उद्देश्यों को लिखते हैं। एक उद्देश्य हो सकता है, दो उद्देश्य हो सकते हैं, पांच छह उद्देश्य भी हो सकते हैं, 50 उद्देश्य नहीं हो सकते। तो आपके शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन से उद्देश्य है जो आपको अपने शोध में प्राप्त करने। फिर आपने अपना शोध कैसे किया, आपका रिसर्च प्लान क्या था, विद्यालय का परिप्रेक्ष्य क्या था, कक्षा का परिप्रेक्ष्य क्या था, आप क्या करना चाहते थे, आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया, आपने कौन सा रिसर्च मेथड या रिसर्च अप्रोच लगाई, कौन सा मॉडल फॉलो किया, ये सारी चीजें आप लिखते हैं। फिर उसके बाद आप लिखते हैं कि आपने सैंपल कितना चुना और यही सैंपल क्यों चुना। सैंपल आपने 30 चुना, 40 चुना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये आप ये जस्टिफाई कर सके कि आपने यही सैंपल क्यों चुना। कोई आपसे कह सकता है आपकी सर्वे रिसर्च थी, आपने 30 विद्यार्थियों पे क्यों की, 300 पे क्यों नहीं की, तो आपके पास इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये क्लासरूम बेस्ड रिसर्च थी, द प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू ओनली 30 स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन ओनली 30 स्टूडेंट्स। इफ इट वाज अ लार्जर प्रॉब्लम, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, देन आई हैव अप्लाइड सम सैंपलिंग टेक्निक एंड आइडेंटिफाइड 200 और 300, व्हाटएवर इज द सैंपल साइज आई हैव आइडेंटिफाइड। सो व्हाटएवर सैंपल यू विल आइडेंटिफाई, आप जितना भी सैंपल चुने वो आपने क्यों चुना, व्हाई। फिर डेटा कलेक्शन की आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, कौन सा उपकरण बनाया और कैसे आपने उसकी एनालिसिस की, ये लिखते हैं। उसके बाद आप अपने परिणाम लिखते हैं। परिणाम किस आधार में, जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे उन रिसर्च क्वेश्चंस की फाइंडिंग्स के टर्म में आप अपने परिणामों को लिखते हैं। परिणामों को लिखने के बाद आपका जो आउटकम आया आप उसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कैसे आपके निष्कर्ष पूरी एजुकेशनल प्रैक्टिस को चेंज करने में मदद करेंगे, कैसे आपके निष्कर्ष एक्शन रिसर्च के अगले चरण को प्रेरित करेंगे, इन सारे मुद्दों पर भी हम
एक्शन रिसर्च में चर्चा करते हैं। मीनाक्षी सागर का प्रश्न है, इफ पेरेंट्स आर नॉट कमिंग इन पीटीएम सो इज दिस इशू कैन कम अंडर एक्शन रिसर्च। दिस इशू कैन कम अंडर एक्शन रिसर्च इफ इट इज अ बिग प्रॉब्लम, यू डिस्कस फर्स्ट विद योर कलीग्स, एंड इफ योर कलीग्स आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग, देन इट कैन बी अ कोलेबरेटिव एक्शन रिसर्च दैट यू कैन डू अ रिसर्च विद द हेल्प ऑफ योर कलीग्स, यू कैन इन्वॉल्व विद योर कलीग्स। फर्स्ट यू एनालाइज वॉट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीएम, देन यू ट्राई टू कॉन्टेक्ट टू फ्यू पेरेंट्स हु हैव अटेंडेड अर्लियर योर पीटीएम बट नाउ दे आर नॉट कमिंग, सो यू डू सम लिटरेचर सर्वे एंड इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ योर स्कूल यू कैन डू अ रिसर्च विद योर कलीग्स। What is the similarities and differences between fundamental research and action research? Nancy Sharma ka sawal hai. Nancy, fundamental research always have a larger goal. Either to bring some change in theory or to apply some practice at a larger scale. वहां पर generalization ज्यादा होता है, वहां पर generalization का जो factor है कि जो परिणाम आएंगे शोध के उन परिणामों को हम बड़े समूह पर apply कर पाएंगे। दूसरा, फंडामेंटल रिसर्च समाधान खोजने तक कई बार रुक जाता है, एक्शन रिसर्च उससे आगे जाता है, जो समाधान खोजे गए हैं उनको अप्लाई करता है, केवल सुझाता नहीं है। फंडामेंटल रिसर्च में कई बार हम समाधान समस्या के सुझा देते हैं, केवल सुझाने भर का काम नहीं होता, यहां उस समाधानों को अप्लाई करना। ऐसा नहीं कि सब फंडामेंटल रिसर्च केवल समाधान सुझाते हैं, कुछ फंडामेंटल रिसर्च समाधान अप्लाई भी करते हैं। ठीक, तीसरा अंतर यह है कि फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए आपको डेडिकेटेड रिसर्चर की तरह काम करना होता है, तब आप एक रिसर्चर की तरह काम करते हैं, एक एक्शन रिसर्चर की तरह काम नहीं करते। यू आर नॉट ऑन योर एक्शन, यू आर नॉट ऑन योर एक्शन एज टीचर इन क्लासरूम एंड यू आर डूइंग रिसर्च साइमल्टेनियसली, रादर यू बिकम एन एक्शन रिसर्चर, रादर यू बिकम अ प्योर रिसर्चर इन फंडामेंटल रिसर्च, दैट इज अनदर डिफरेंस। In the comments, one principal of a school, Dr. Suresh Agrawal, has written that being a school principal, I must say that a school-wide action research enables us to bring about constructive improvements in teaching and learning process and general working. So this is a feedback from a school principal which came in a comment. So this reflects that the principals, the good principals using it in their schools also to improve the school practices. Thank you very much for listening this session and for joining me in this session. Thank you very much. All the best.